हिंदी है। मगर कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है अंधा होने का नाटक कर रही हो, क्योंकि आज के ज़माने में ना लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। एक काम करते हैं, क्यों ना इसका एक टेस्ट लें, कुछ ऐसी भारी चीज़ को फेंक के मारते हैं, अगर ये रिएक्ट करेगी ना तो समझ लेंगे वो अंधी नहीं है, है ना? ठीक है। वैसे भी आधा माल तो हाथ लग ही गया है, पता नहीं घर में और कितना माल होगा। काम कर, कुछ फेंक दे गया कुछ, उठा। ठीक है, मैं ना कुछ देख कर आता हूँ। अरे बोतल रखी हुई है, इसी को ले लेता हूँ। जल्दी ला। भाई ये कम से कम 3 लीटर की बोतल है, इसको फेंक कर मारता हूँ, बहुत करी चोट लगेगी। क्यों? बिल्कुल फेंक। कोई रिएक्ट नहीं कर रही ना? बोला था ना अंधी है। एक काम कर, अब ये तो अंधी है ही, अपना एक काम कर, तो ऊपर देख के आते हैं, क्या पता ऊपर और माल हो। सही कह रहे हो, अगर आधे घर में इतना पैसा मिल सकता है तो पूरे घर में कितना पैसा होगा, और इस बेचारे को क्या ही पता होगा। चुपचाप आए और चुपचाप निकल जाएंगे, और इसे अपना चुपचाप काम करने दो। चल चल, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी। रुक जाओ, पुलिस पुलिस कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में दिख रहे हो ना। पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने बुलाया पुलिस को। ये अंधी नहीं है? नहीं, अंधी नहीं हूँ, और ना ही तुम लोगों की तरह बेवकूफ हूँ। तुम दोनों की जानकारी के लिए एक बात बता दूँ कि ये सिर्फ पुलिस वाले के फर्ज से यहाँ नहीं आए हैं, मैंने यहाँ पे चोरों को पकड़ने के लिए अपने भाई को बुलाया है। चोर थे, चोरी कर रहे हैं घर के अंदर। जल्दी से कॉल करके भैया को बुला लेती हूँ, वरना ये लोग तो बहुत खतरनाक लग रहे थे, मेरे साथ भी कुछ कर सकते हैं। हेलो हेलो भैया, भैया हमारे घर में ना चोर घुस आए हैं। मैं बस बगल वाली शॉप तक गई थी कुछ खरीदने के लिए, और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वो लोग घर में बैठ के ना चोरी कर रहे थे। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी जैसे तैसे मैंने उन्हें चकमा दे दिया है, पर आप जल्दी से आ जाओ। अगर उन लोगों को पता चल गया ना कि मैं अंधी नहीं हूँ और अंधी होने का ड्रामा कर रही हूँ उन्हें चकमा देने के लिए, तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। आप प्लीज जल्दी से आओ। ठीक ठीक है। क्यों भाई पागल है क्या? फिर मैं दिमाग नहीं है, एक बार चेक नहीं कर सकता था कि पुलिस वाले का घर है? अब पकड़े गए ना। मैं ये बायोडाटा देख के आ रहा हूँ, ये किसका घर है? एक ही काम किया है तुझे कि तेरे को ना पहले वेरिफिकेशन करना है कि हम किसके चोरी करने जा रहे हैं, तो पकड़े गए ना जिंदगी भर चक्की पीसेंगे। अब ये घुसर-पुसर ना सलाखों के पीछे करना जिंदगी भर, क्योंकि अब तुम लोग ना लंबे जाओगे बेटा। एक पुलिस वाले के घर में चोरी, पहले तो मार पड़ेगी ना इतनी कि सुझा दूंगा तुम दोनों की। सर सर मेरी बात समझिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने अभी अभी चोरी करना शुरू करी है और ये हमारी दूसरी तीसरी चोरी है। सर हम सच में छोड़ देंगे। बात ऐसी है कि हमारा ना एक लीडर है और जबरदस्ती हमसे चोरी करवाता है, क्योंकि हमने ना उससे कर्जा लिया था और अब वो हमें मारने की धमकी दे रहा है, तो हमें उसका कर्जा तो उतारना पड़ेगा। तो इसके लिए ना हमने चोरी का रास्ता अपनाया, क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा था और हम जिंदगी भर बस काम करते रह जाते और उसका कभी कर्जा नहीं चुका पाते। हाँ साहब, हर चोर ना यही कहानी सुनाता है, लेकिन पुलिस इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती। चलो एक मिनट के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि तुम मजबूरी में ये चोरी कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा वो आका जिसकी तुम बात कर रहे हो, अगर वो मर्डर करने के लिए बोलेगा तो तुम लोग मर्डर भी कर दोगे? तुम लोगों ने पुलिस के पास आना लाजमी क्यों नहीं समझा? अगर ऐसी मजबूरी थी तो पुलिस के पास आते, पुलिस की हेल्प लेते, लेकिन नहीं, तुम तो गलत रास्ता अपना रहे हो। अगर एक मिनट के लिए सोच के देखो, अगर तुमको ये पता चल जाता कि ये अंधी नहीं है तो तुम लोग तो यहां पर इसका मर्डर भी कर देते। हिम्मत कैसी हुई तुमको ऐसा कदम उठाने के लिए? पुलिस का डर नहीं लगा तुमको? वो तो अच्छा है कि तुम तीसरी चोरी में ही पकड़े गए। क्यों? लेकिन तुमको ना मैं अब छोड़ूंगा नहीं। ठीक बोल रहे हो सर, ये बोल रहे थे ना कि हमारे सर पर कर्जा है, तो हाँ तुम और तुम्हारा मालिक दोनों साथ में बैठ के कर्जे चुकाना, तुमको और तुम्हारे मालिक को जेल में ले जाकर पत्थर तोड़वाएंगे। अब चलो यहाँ से। सर सुनिए तो सही। चुप करो, कुछ नहीं सुनना, यहाँ से चलो।